जय हिंद दोस्तों, मैं यश तोमर, आप हमारे साथ जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल भारत माँ की जय के साथ। आज फिर एक नई जानकारी के साथ। देखिए, अभी आपके ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गए हैं और लगातार आप लोगों के फोन आ रहा है कि सर हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, हमारा नहीं आया है, कोई बोल रहा है ये रिजेक्शन स्लिप आ गई। तो मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम रखें। ज्वाइन लेटर जो पास की कैटेगरी में है, जो फेल है वो तो फेल है ही, जो पास की कैटेगरी में है, जो मेरिट लिस्ट आउट हुई है उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है, उन सबके ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। अब रही बात यह है कि आपके दोस्त का आ गया है, आपका नहीं आया है, या आपके गांव में पांच लड़के हैं तो पांच में से चार का आ गया, एक आप बचे हैं, ऐसे लोग अगर आप हैं तो आप ये तो सोचिए कोई ना कोई, कभी ना कोई तो ऐसा होगा जिसका सबसे आखिरी में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक साथ चार लोग हैं तो चारों का एक ही दिन में आए। कोई बीएसएफ में सिलेक्ट हुआ होगा, कोई एसएसबी में हुआ होगा, किसी के डिस्पैच हुए हैं 11 तारीख को, किसी का डिस्पैच हुआ है 18 तारीख को। तो अब 11 तारीख वाले का आ जाएगा तो 18 वाले के साथ कैसे होगा? तो 18 का बाद में आएगा, जिसका 18 के बाद 20 को डिस्पैच हुआ है ज्वाइन लेटर उसका और बाद में आएगा। ज्वाइनिंग का टाइम दे ही रहा है 17 तारीख या उसके पहले, तो आप ज्वाइनिंग के हिसाब से देखिए, किसी का 11 को आ रहा है, किसी का 18 को आ जाएगा, किसी को 22 को आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि सबका एक साथ आए, इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमारा ज्वाइन लेटर नहीं आ रहा है, सर हम तो परेशान है और पता नहीं आएगा क्यों कि नहीं आया। अरे भाई, अब आप पास हैं तो क्यों नहीं आएगा? कोई विशेष दुश्मनी है, कोई किसी फोर्स में ऐसा है तो आपसी रंजिश तो है नहीं कि भले ही आप पास हो गए लेकिन इस लड़के का हम नहीं भेजेंगे, ऐसा तो है नहीं। जितने कैंडिडेट पास हैं उन सारे कैंडिडेट का आएगा। हाँ, अगर किसी का कोई रिएक्शन स्लिप आ गया है या आ रहा है, किसी का नाम मैच नहीं कर रहा है या किसी के डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं किए हैं, कहीं इस प्रकार की जिनके साथ समस्याएं आई हैं उनकी रिएक्शन स्लिप आई हैं और भी आ सकती हैं, ऐसा भी नहीं है कि अब जिसकी नहीं आई, हो सकता है अब डिपार्टमेंट है अपने स्तर पर जाँच करेगा, जाँच में जिनकी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट होगा उनका कैंसिल कर सकता है। जैसे माँ का नाम मुन्नी देवी है और किसी में मुन्नी भाई लिखा है तो चलो चल जाएगा, कहीं लिखने में मिस्टेक है, लेकिन कहीं भी किसी में मुन्नी देवी लिखा है, किसी में राधा देवी लिखा है तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, तो फिर ये फ्रॉड में आ जाएगा। तो अगर इस तरह का किसी के साथ कुछ केस है तो वो अलग बात है, रिजेक्शन स्लिप आ सकती है। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम में जैसे किसी का नाम राम सेवक है, किसी ने राम और सेवक के बीच में गैप दिया है और किसी ने राम और सेवक के बीच में गैप नहीं दिया है, तो ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे के लिए रिजेक्शन स्लिप नहीं आएगी। अगर ए की जगह ई बना दी, ई की जगह ए बना दी, इसमें भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कहीं नाम ही चेंज हो गया है, राम सेवक की जगह आपका नाम श्याम सेवक हो गया है, तो वो पूरा ही गलत हो जाएगा। तो उस चीज का ध्यान रखें, डेट ऑफ बर्थ आपकी ठीक होनी चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ठीक होने चाहिए, और जो जो चीज ज्वाइनिंग लेटर में मांगी जा रही है वो सारी चीज उसी हिसाब से बनवाए। अगर उन्होंने बोला है रजिस्ट्रेड ऑफिसर का चरित्र बनवा के लाए तो करेक्टर सर्टिफिकेट उसी का बनवाएं, मूल निवासी मांगा है तो मूल निवासी बनवा के ले जाए, पुलिस थाने का मांगा है तो पुलिस थाने का बनवा के ले जाए, एसडीएम का मांगा है तो एसडीएम का ले जाए, जो उसने मांगा है वो। लेकिन जिनके ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं आए, अब 60,000 से ज्यादा वैकेंसी आउट हुई थी तो सबके एक दिन में तो आने से रहे। अब हो सकता है आपका नंबर पड़ रहा है किसी का 12,000 रुपए और किसी का पड़ रहा है 28,000 रुपए, किसी का और 58,000, भाई 60,000 लिए है ना, तो मेरिट में कुछ सिस्टम भी ये होगा ना कि किसी का तो 1,000 पे आ रहा होगा नंबर, 1,001, 1,002 तो उनके आज निकल जाएंगे। अब 1,002, 1,003 करके किसी के आएंगे 10 दिन बाद, जिनका होगा 27,001, 27,002, फिर किसी के और 10 दिन लग जाएंगे, किसी का आएगा 38,001, 38,002 और 10 दिन लग जाए, तो एक दिन में तो नहीं होगा ना, एक साथ तो नहीं होगा। अब डिपार्टमेंट के अगर दे दिए या 10,000 दे दिए, 12,000 दे दिए, किसी को 6,000 दे दिए, तो वो सारे जितने भी है एसएसबी के सबका एक दिन में नहीं निकालेगा, सीआरपी एक साथ अपने के नहीं निकालेगी, टाइम लगते ना इतने के डिस्पैच करने में कि भाई आज इतने डिस्पैच कर दो, भाई उनका एक कोई रूटीन बना होगा कि आज 150 मूवमेंट ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच कर दो, किसी ने बनाया होगा 200 ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच कर दो, किसी ने 100 डिस्पैच कर दो, इस तरह से बनाया होगा। तो जैसे जैसे बारी बारी से जिसका जब नंबर आएगा उसका आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर ना आए। आप इंतजार करें, आप अगर अपने गांव में अपने एरिया में अकेले रह गए हैं तो भी परेशान ना हो कि अब आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, अकेले हो तो हो सकता है आपका लास्ट में नंबर हो,
आएगा जरूर। हाँ, जब सारे लोग ज्वाइन करके चले जाते हैं, जब सारे लोग ज्वाइन करके चले जाते हैं और आपका ज्वाइन लेटर नहीं आता, तब आपको परेशान होने की आवश्यकता है कि भाई सब लोग को तो ज्वाइन भी हो गए, हमारा तो ज्वाइन ही नहीं हुआ है, तो आप परेशान हो कि भाई हमारा आ नहीं रहा है। अभी तो टाइम है, अभी तो तैयारियां चल रही हैं, किसी को बता दिया 17 से पहले आने को, किसी को बता दिया 12 से पहले आने को, किसी को 13 से पहले आने को, तो आप दूसरा जाने का भी आपको बताएं कि अगर आपको किसी कोई डेट दी है 17 से पहले 12 से पहले, तो लगभग आप उसी टाइम पे जाएं, बहुत पहले जाके आपको सीनियरिटी नहीं मिलेगी। सीनियरिटी सिस्टम ये नहीं होता है जो आप सोच रहे हैं कि आप आज ही पहुंच जाओ तो आप सीनियर बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीनियर होते हैं मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में आपका जिसके ऊपर नंबर है वो वहीं रहेगा, उसी हिसाब से फोर्स नंबर बनते हैं, उसी हिसाब से सीनियर जूनियर बनते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। और इंडिविजुअल कोई सीनियर जूनियरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, कि आप यहाँ सीनियर जूनियर बन गए तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, कांस्टेबल रैंक में कोई फर्क नहीं है। ये फर्क पड़ता है जाके असिस्टेंट कमांडेंट रैंक में, एक एक अंक की जरूर अहमियत रहती है। आपके में तो पूरे ग्रुप की भी कोई वो नहीं है, अगर कोई ग्रुप में पहले नंबर पे है और एक 1000वें नंबर पे, तो भी कोई फर्क नहीं है। जब प्रमोशन आउट होंगे तब सबके एक साथ ही होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे किसी जानकारी के साथ। अभी आप परेशान ना हो, अपनी ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार करें, 10-5 दिन और वेट करें, और लगभग आप 11-12 फरवरी सॉरी मार्च तक वेट करें, सबके आ जाएंगे ज्वाइनिंग लेटर। फिर मिलेंगे जानकारी किसी नई के साथ। जय हिंद।